पीरपैंती थाना क्षेत्र के शेरमारी बाजार चौक के निकट इफको बाजार के सेल्समैन से 35 लाख रुपए छीनतई का मामला प्रकाश में आया है। सेल्समैन ने बताया कि पूर्व की भांति पैसा लेकर पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने जा रहा था। निर्माणाधीन रेलवे उल्टा पुल के नीचे पीछे से धक्का देकर पैसे से भरा बैग छीनकर भाग गया, जिसे मैं पहचान नहीं पाया। मौके पर पीरपैंती पुलिस ने पहुंचकर अनुसंधान किया, साथ ही कहलगांव डीएसपी शिवानंद सिंह ने भी पहुंचकर जांच पड़ताल की। उन्होंने कहा कि अनुसंधान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये अभी मामला प्रकाश में आया है और इसमें जांच की जा रही है और जांच करने के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। मामला दर्ज हो गया क्या सर? सर, वो अभी आगे का बात है, अभी जांच चल रहा है, जांच के बाद का देखा जाएगा। मैं यहाँ ऑफिस से पैसा ले जा रहे थे, पुल के उतरने वक्त हम पीछे से ढकेल के पैसा ले भाग गए, हम आदमी को नहीं पहचान सके। किस बैंक जा रहे थे? पंजाब बैंक। कितना पैसा था? 35,51,500। किस जगह घटना घटा है? पुल के पास, उल्टा पुल भी ले जा रहे थे, 15 लाख 13 लाख ऐसे ले जा रहे। चलिए, वहाँ बुला रहे हैं। आप किसी को देखे नहीं? नहीं सर, देख पाए। इन दिनों शादी का लगन काफी जोर पर है और रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों की काफी भीड़ जुट रही है। इस बीच भागलपुर रेलवे स्टेशन पर अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। दरअसल क्यूल से मालदा टाउन जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस जब भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची तो रेलवे स्टेशन पर इतनी ज्यादा भीड़ और गहमागहमी थी कि सीट रिजर्व किए कई यात्री ट्रेन पर नहीं चढ़ पाए, जबकि इस बीच बिना रिजर्वेशन किए हुए कई यात्री बोगी में जबरदस्ती चढ़ गए। इस बीच ट्रेन खुल गई और लगभग 150 यात्री जिनका रिजर्वेशन ट्रेन में था वो ट्रेन पे नहीं चढ़ पाए, जिसके बाद नाराज यात्री स्टेशन मास्टर से मिलने पहुंचे और वहां इस बात को लेकर शिकायत की, जिसके बाद पहले तो स्टेशन मास्टर ने किसी भी तरह की सहायता करने से साफ मना कर दिया और कहा कि आप लोग लिखित रूप से इसकी शिकायत दे दें, जिसके बाद यात्री उनसे तुरंत बाद आ रही दूसरी ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति मांगने लगे तो स्टेशन मास्टर ने इसके लिए मौखिक रूप से उन लोगों को ट्रेन से जाने को कह दिया, हालांकि लिखित रूप से कुछ नहीं दिया गया। एक्चुअली आज जब हम लोग ट्रेन नंबर 13410 पर जब हम लोग ट्रेन पकड़ने आए, हमारी ऑलरेडी रिजर्वेशन थी ट्रेन में, ट्रेन टाइम पे आई, हम लोग टाइम पर प्लेटफॉर्म पर थे, बट प्लेटफॉर्म पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी जिसमें हम कह सकते हैं कि जो रेलवे की मिसमैनेजमेंट थी जिसके कारण हमारी ट्रेन छूट गई। हमारी रिजर्वेशन थी आधे घंटे पहले, ट्रेन में स्टेटस ऑलरेडी 1200 या 1300 सीट खाली दिखा रही थी, बावजूद उसके प्लेटफॉर्म पर ना जाने कहाँ से इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई थी। और हम लोग और भी सारे इतने सारे आप लोग देख सकते हैं, इतने सारे लोग हैं, सब हमने ट्रेन टाइम पर छूट गई, ट्रेन खुलने के बाद भी किसी ने ट्रेन वैक्यूम करा था, बावजूद इसके हमारे पास समय होते हुए भी कहीं पर भी ट्रेन में इतनी भी ज़्यादा सीट नहीं थी कि हम अपने लगेज के साथ या फिर फैमिली बच्चे के साथ ट्रेन में पहुँच करके अपनी सीट पर पहुँच सके। इस कारण से रेलवे की मिसमैनेजमेंट के कारण हमारी ट्रेन के लोग हैं यहाँ पर अभी जो छूट गए, मेरे ख्याल से करीब 15 लोग जो हैं, जो कि मतलब 15 से 20 लोग तो हैं जो हमने कंप्लेन करने यहाँ पर आए हुए स्टेशन मास्टर के पास, बाकी इसके अलावा मुझे लगता है एटलीस्ट कम से कम 100-150 लोग हैं जिनके प्लेटफॉर्म पर स्टेशन पर ट्रेन छूट चुकी है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर रिटर्न कंप्लेन किया है स्टेशन मास्टर के पास और इन्होंने हमारा जो ये कंप्लेन है ये इन्होंने नोट कर लिया है कंप्लेन। क्या आश्वासन दिए उन्होंने? वो एक वर्बल क्लियरेंस दिए हैं कि अभी जो इसके पीछे एक ट्रेन आ रही है 1850 में मालदा जाने के लिए, तो उस पर हम चढ़ सकते हैं करके, बट उन्होंने कोई रिटर्न एश्योरेंस कुछ ऐसा दिया नहीं है, बट उन्होंने रेफरेंस दिया है कि अगर कोई रेलवे कोई स्टाफ पूछते हैं तो आप उनका ACM का रेफरेंस दे देना कि उन्होंने वर्बल एश्योरेंस दिया है कि आप जा सकते हैं करके। प्लीज़ एश्योरेंस हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। भागलपुर से ही आप लोग हैं? जी बिल्कुल। कहाँ जाना था? मुझे फरक्का जाना था, बाकी लोग मालदा वाले हैं। कौन सी ट्रेन थी वो? क्यूल मालदा टाउन इंटरसिटी है 13410। आगामी 24 नवंबर को 8वें चरण में नाथनगर प्रखंड क्षेत्र में होने वाले चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम गया। इससे पूर्व प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी की ताकत लगा दी। आपको बता दें कुल 6 पद जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य के पदों पर मतदान किए जाएंगे। वहीं विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर जनता का आशीर्वाद लेकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते रहे। आज नाथनगर उत्तरी क्षेत्र 14 से निवर्तमान जिला परिषद प्रत्याशी आरती कुमारी ने अपनी सैकड़ों समर्थकों के साथ रोड शो किया। यह रोड शो रामपुर खुर्द, भतोड़िया, रामचंद्रपुर, नवटोलिया, दोगच्छी, मुरारपुर, रन्नूचक, मकनपुर, राघोपुर, गोसाईदासपुर, रत्तीपुर, बैरिया समेत अन्य इलाकों से गुजरा और लोगों से आशीर्वाद लिया। उत्तरी क्षेत्र संख्या 14 से निवर्तमान जिला परिषद प्रत्याशी आरती कुमारी ने कहा कि काम किया है काम करेंगे, वादा नहीं विकास करेंगे, हर पल आपके साथ रहेंगे। वहीं उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह
चक्की छाप क्रमांक संख्या 1 पर मतदान करने की अपील की। गुरु और शिष्या के रिश्ते को तार तार कर नाबालिग को अपने हवस का शिकार बनाने वाले शिक्षक पुरुषोत्तम यादव को पॉक्सो कोर्ट ने 11 साल कैद और 2 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। पॉक्सो की विशेष जज एमपी सिंह की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई। मामले में सरकार की तरफ से बहस करने वाले पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश राम ने बताया कि आरोपी युवक उस लड़की को पढ़ाने जाया करता था। उसने उसे पढ़ना छोड़ दिया था। एक दिन लड़की स्कूल से आ रही थी, तभी उस लड़के ने उसे कहा कि वो उसे घर छोड़ देगा। उसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर नौगछिया रेलवे स्टेशन गया, वहां से दिल्ली चला गया। वहां उसे 2 महीने तक रखा और दुष्कर्म किया। बच्ची ने अपने बहनोई को फोन से इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद नाबालिग लड़की को दिल्ली से लाया गया। विशेष पीपी ने बताया कि इस मामले में 3 दिसंबर 2018 को केस दर्ज किया गया था। डॉक्टर केस के आयु और पीड़िता की गवाही कराई गई, जिसके बाद साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की 2 सदस्यीय टीम भागलपुर सदर अस्पताल के द्वारा मरीजों को दिए जाने वाले स्वास्थ्य सुविधा का निरीक्षण करने अस्पताल पहुंची। इस दौरान टीम के ऑपरेशन थिएटर, डिलीवरी रूम सहित सभी वार्डों का निरीक्षण किया। टीम में शामिल दिल्ली के डॉक्टर जयरा प्रकाश और डॉक्टर श्वेता चोपड़ा के द्वारा निरीक्षण के दौरान कई दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अस्पताल में कितना पालन हो रहा है, इसको लेकर जांच टीम सदर अस्पताल पहुंची है। जांच के बाद अस्पताल को रैंकिंग दी जाएगी। वहीं टीम के द्वारा व्यवस्था को लेकर बेहतर करने के सुझाव भी दिए गए, जिससे मरीजों को होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके। ये इनका दो आदमी की टीम आई हुई है, दोनों डॉक्टर्स दिल्ली से हैं और ये लोग 22-23 दोनों दिन रहेंगे और यहाँ लक्ष्य के सर्टिफिकेशन के लिए हैं। ये टीम आई है और हमारा OT लेबर रूम ये सब देखेंगे, हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है सब देखेंगे। वैसे स्कोर देंगे नहीं उसी से तब हम लोग क्वालिफाई करेंगे, है ना, लक्ष्य के लिए। तो हम लोग को और हम लोग का ये है कि बराबर इम्प्रूव करते रहें। इन लोगों का भी है कि सजेशन हम लोग देंगे कि आप लोग कैसे इम्प्रूव करते रहिए। नहीं, हम लोग को एक जगह जाकर ठहरना नहीं है। दिन प्रतिदिन जो सात सेवाएं हम लोग दे रहे हैं OT में या नेप्रसव में, इसका दिन प्रतिदिन सुधार करते जाना है। हमेशा स्टैटिक नहीं रहना, इम्प्रूवमेंट नहीं। भागलपुर की स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र के द्वारा नवजात शिशु और 1 वर्ष से 4 वर्ष तक के शिशु के निःशुल्क जाँच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टरों की टीम ने फेफड़े, पेट और बच्चों को होने वाले गंभीर बीमारियों के लक्षण और बचाव के उपाय लोगों को बताए। साथ ही बच्चों को समय समय पर कराए जाने वाले टीकाकरण की भी जानकारी दी गई। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डॉक्टर पवन और डॉक्टर प्रभास के द्वारा बच्चों के अभिभावकों को बच्चों को बीमारियों से दूर रखने के लिए माँ का दूध कब तक देना है और बोतल से दूध क्यों नहीं बच्चों को पिलाना है, इसकी जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। साथ ही शिविर के दौरान स्वस्थ बच्चों को उनकी एक्टिविटी के अनुसार पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान डॉक्टर दीप्ति सिन्हा ने डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना करते हुए ठंड के समय बच्चों की अधिक देखभाल करने की बात कही। वहीं डॉक्टर अजय सिंह ने समय समय पर उनकी टीम के द्वारा ऐसे आयोजन के किए जाने की बात करते हुए ठंड के समय बच्चों को ज्यादा ध्यान देने की बात कही गई। आज सबसे पहले देश के सभी लोगों को बधाई कि ये कोरोना हम लोग समाप्त कर रहे हैं, समाप्ति की ओर है और इसीलिए यह चहल पहल आप देख रहे हैं। यह बेबी शो का आयोजन 2 साल बाद हो रहा है। हर वर्ष स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह आयोजन होता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से आज पहली बार फिर से शुरू हुआ और यह बेबी शो में हम लोग 2 वर्गों में बांटे हैं, 0 से 1 और 1 से 4। इसमें हम लोग कई पार्ट में हैं, उसका वजन, जनरल अपीयरेंस, फेफड़े का स्थिति, है ना, पेट का स्थिति और टीका को हम लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि बच्चे स्वस्थ हो सकते हैं लेकिन यदि टीका नहीं लेगा तो ऐसे ही बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं जो लाइलाज हो। और माँ का नॉलेज, माँ और पिता का नॉलेज रिगार्डिंग हेल्थ, ORS के बारे में, फूड हैबिट के बारे में, माँ का दूध कब तक देना है, बोतल से पिला रहे हैं कि नहीं पिला रहे हैं, इन सारे बातों पर हम लोग 3 डॉक्टर हम लोग हैं। डॉक्टर पवन हैं, उनका नाम जो बोलिए प्रभास, डॉक्टर प्रभास हैं, मैं डॉक्टर अजय सिंह, हम लोग 3 पार्ट में उसको बांटे हुए हैं और हम लोग सभी को मार्क्स दे रहे हैं और इसको फिर हम लोग अभी करेंगे 3-3 प्राइज दोनों में और सभी बच्चों को कंसोलेशन प्राइज जो आए हैं ताकि वो रोए नहीं कि हमको नहीं मिला।
बिहार बाल भवन किलकारी कोतरा भागलपुर में बाल दिवस के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी बाल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिषद में इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सत्र में दौड़ प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान दौड़, कुश्ती, पेंटिंग, डांसिंग, गायन सहित अन्य प्रतियोगिताओं में राज्य के 5,000 से अधिक बच्चे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं 27 नवंबर को समापन समारोह में राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण करेंगे। हर साल यहाँ पे बाल दिवस के अवसर पर हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं। इस साल हम लोग बाल उत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं और ये आज से प्रारंभ हो रहा है और ये 27 तारीख तक लगातार चलने वाला है। आज हम लोग दौड़ प्रतियोगिता से प्रारंभ किए हैं। आज सेकेंड हाफ में कुश्ती का अंडर 15 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता होना है, उसका रिपोर्टिंग है, और कल सुबह 8 बजे से लगातार मैचेस चलेंगे परसों तक। 25 तारीख को पेंटिंग, क्राफ्ट, मूर्तिकला, हस्तकला, इन सब का प्रतियोगिता होना है और संगीत का और नृत्य का होना है हम लोग का 26 तारीख। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के भागलपुर शाखा के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में इंडोर गेम और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य शाखा प्रबंधक सुधांशु भूषण, क्षेत्रीय शाखा प्रबंधक एवं आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान मुख्य शाखा प्रबंधक ने बैंक कर्मियों के उत्साहवर्धन को लेकर गाना भी गाया। सुधांशु भूषण ने बैंक कर्मियों से तनाव भरी दिनचर्या के बीच अपने सहकर्मियों के साथ छुट्टी के कुछ समय व्यतीत करने की बात भी कही। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में बैंक कर्मी और उनके परिजन मौजूद थे।